नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। आपके साथ हूं मैं लवीना राज। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिवानी पांडे। और शुरुआत करेंगे इजराइल हमास जंग से। इजराइल ने गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन शुरू किया है, लेकिन उसी गाजा में हमास के कब्जे में 200 से ज्यादा बंधक हैं, जिसमें इजराइल के नागरिकों के साथ ही विदेशी भी शामिल हैं। और जब युद्ध 24वें दिन में पहुंच गया है, तो इजराइल के लोगों का सब्र टूटने लगा है और वो सब बंधकों की सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। और उन्हें ये लगता है कि अगर ग्राउंड ऑपरेशन में हमास पर हमले होते हैं तो उनके अपनों को बहुत भारी नुकसान पहुंच सकता है। हमास के लड़ाकों को पाताल से निकाल कर मारने के लिए इजराइल की सेना गाजा में दाखिल हो चुकी है। चप्पे चप्पे में तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। हवा और समुद्र से भी भारी बमबारी हो रही है, ताकि हमास के लड़ाकों को सुरंग से निकलने की हिम्मत ना हो। इजराइल के सैनिक टैंकों के साथ आगे बढ़ रहे हैं। अब जंग में वो दौर आ चुका है जहां इजराइल के कमांडो हमास लड़ाकों को उनकी मांग में घुसकर ही ढेर करेंगे। गाजा पहले इजराइल के हवाई हमलों से तबाह हुआ और अब आसमानी प्रहार से बच निकलने वालों को भी चुन चुन कर मारा जा रहा है। अब इजराइल की सेना उन ठिकानों तक पहुंच रही है जहां आसमान से बम गिराकर हमास के लड़ाकों को मारना आसान नहीं था। जमीनी लड़ाई में हमास के लड़ाके इजरायली फोर्स को कड़ी चुनौती दे रहे हैं। इजराइल जानता है कि हमास के लड़ाके गोरिल्ला प्रहार में माहिर हैं। हमास के लिए युद्ध के नियम कोई मायने नहीं रखते, इसलिए इजरायली सेना को काफी संभल कर ऑपरेशन चलाना पड़ रहा है। हमास के लड़ाकों ने जानबूझकर अस्पताल के करीब ठिकाने बनाए हैं, जिससे इजराइल की सेना कार्रवाई के दौरान उन पर हथियारों का इस्तेमाल नहीं कर सके। المستشفيات اغلب المسايبه تخبوا من المستشفيات تخبوا ايش تحت يعني في شيء مثلا الشفا فيها طابق بودره ممكن في البودره شفا كبيره مش صغيره الشفا تبعها في بتخبوا ما احنا हमास के पास घातक रॉकेट का भंडार है और वेस्ट बैंक के जेनिन में आमने सामने की जंग चल रही है। इजरायली सेना पर इसी तरह ताबड़तोड़ रॉकेट से हमले हो रहे हैं। जेनिन में इजरायल ने सैन्य अभियान चलाया है। इजरायल की सेना के मूवमेंट से साफ है कि इजरायल ने हमास के खिलाफ युद्ध सेकंड फेज यानी दूसरे चरण में दाखिल हो गया है, जहां पहले चरण से ज्यादा खून खराबा होने की आशंका है। המלחמה בתוככי הרצועה תהיה קשה וארוכה, ואנחנו ערוכים לכך. זאת מלחמת העצמאות השנייה שלנו. נילחם על הגנת המולדת. נילחם ולא ניסוג. נילחם ביבשה, בים ובאוויר. נשמיד את האויב מעל הקרקע ומתחת לקרקע. נילחם וננצח. יהיה זה ניצחון של הטוב על הרע, של האור על החושך, של החיים על המוות. इधर इजराइल के जमीनी ऑपरेशन का साइड इफेक्ट भी देखने को मिलने लगा है। गाजा में बंधक बनाए गए लोगों के परिजनों ने तेल अवीब में विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान लोगों ने हाथों में तख्तियां भी ले रखी थी, जिसमें बंधकों की तस्वीर थी और लिखा था कि उन्हें अभी घर लाओ। विरोध प्रदर्शन के बाद इजराइल के रक्षा मंत्री योआओ गैलेंट प्रदर्शन कर रहे परिवारों से मिले। Boyfriend, I truly afraid that these two girls is like in conflict with each other. I think that first
the hostages should be free. Not political people or, you know, military people. We are two simple people that try to save our sister. If Moran is listening to us, Moran, we are united together. We love you so much. Continue to be positive as you are. And think about the big hugs we're all going to give you when you come back. And I want you to know that we're doing everything we can to bring you back home as soon as possible. इधर जंग के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने इजरायली प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू से फोन पर बात की। इस दौरान उन्होंने साफ कहा कि इजरायल को अपनी रक्षा करने का अधिकार है, लेकिन उसे अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून के मुताबिक ऐसा करना चाहिए जो नागरिकों की सुरक्षा को प्राथमिकता देता है। अमेरिका के तेवर और इसराइल के एक्शन से साफ है कि इसराइल और हमास के बीच चल रहा युद्ध अभी रुकने वाला नहीं है। हमास भले ही बंधकों के जरिए दुनिया को ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन सच्चाई ये है कि हमास पूरी दुनिया में अलग थलग पड़ चुका है। दुनिया के देश फिलिस्तीनियों के प्रति तो सहानुभूति रखते हैं, लेकिन इसराइल को उसकी रक्षा के अधिकार का भी समर्थन करते हैं। इजराइल ने तीन चरणों में हमास का द एंड करने की कसम खाई है और उसके पहले चरण में गाजा पर बमों की बारिश की गई और अब दूसरे चरण में ग्राउंड ऑपरेशन शुरू हो चुका है। अब चलिए आपको ये बताते हैं कि इजराइल ने गाजा में हमास के खिलाफ ग्राउंड ऑपरेशन शुरू करने के लिए किन किन पॉइंट्स को चुना है और क्या रणनीति यहाँ से दिखाई देती है। ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाने की कोशिश करते हैं। ये मैप के जरिए आप इसे समझिए। इजराइल ने तीन तरफ से ग्राउंड ऑपरेशन शुरू कर दिया है, यानी कि एक वो तरफ और एक ये और ये। लेकिन ऐसा नहीं है कि यहाँ पर सिर्फ तीन ही पॉइंट पर, इसके अलावा हवा से भी हमले हो सकते हैं। तो देखिए, एयर स्ट्राइक्स तो लगातार हो रही है, समंदर से भी घेरने की, मेडिटेरेनियन सी से भी घेरने की पूरी कोशिश है। फिलहाल ये आपको गाजा का मैप दिख रहा है, ये इजराइल है पूरा लाल पट्टी में, और ये गाजा का क्षेत्र आप देख रहे हैं जो कि पश्चिम में पड़ता है। और ऐसे में पूरा गाजा आपको देख सकता है, जो बॉर्डर इलाका है जहां पर इजराइल और गाजा आपस में मिलते हैं, वहां पर सबसे ज्यादा तबाही है। देखिए, ये है मेडिटेरेनियन सी, और यहां से भी पूरी तरीके से गाजा को इजराइल की तरफ से घेर लिया गया है। तो पहली दिशा गाजा का उत्तरी हिस्सा है, यानी कि उत्तर की तरफ उत्तरी हिस्सा। सबसे पहले यहीं पर लोगों से भी कहा गया था कि वो तुरंत नीचे की तरफ आ जाए, ताकि वहां पर जो हमले इजराइल लगातार कर रहा है उसमें उनको नुकसान न हो। तो यहाँ बेत लाहिया और बेत खानून के रास्ते गाजा शहर में दाखिल यहाँ पर इजरायली सेना हुई। आपको ये भी बता दें कि दूसरा राइम के रास्ते गाजा के ब्यूरिस में यहाँ पर दाखिल हुई है, और ब्यूरिस गाजा के सेंट्रल हिस्से में आता है। अब इस हिस्से पर अगर इसराइल ने कब्जा कर लिया तो गाजा को दो हिस्सों में बांटने में कामयाबी हो जाएगा। इसके अलावा गाजा के दक्षिणी हिस्से से भी इसराइल की सेना तीसरा ग्राउंड ऑपरेशन अब शुरू कर सकती है, और यहाँ से वो सीधे खान यूनिस और रफा में दाखिल हो सकती है।